हेलो दोस्तों, मैं राजेश सिन्हा स्वागत आप सभी का करता हूँ एंडेवर प्रेप के इस प्लेटफॉर्म पे। आज के इस लेक्चर में हम लोग कॉन्टिन्यूएशन देखने वाले हैं। ऑलरेडी 2 लेक्चर हो चुका है, ठीक है। इस लेक्चर में हम कॉन्टिन्यूएशन देखेंगे किसका, तो प्रिलिम्स सॉल्विंग टेक्निक का। प्रिलिम्स के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं वो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। बेसिकली ये सीरीज उन लोगों के लिए है जो थोड़े से अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं प्रिलिम्स में, और डिस्पाइट डूइंग हार्ड वर्क्स दे आर नॉट एबल टू क्लियर प्रिलिम्स, है ना। ये उनके लिए ये सीरीज रहेगी। यहाँ पर मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन को सोचना है, किस तरीके से क्वेश्चन को छोड़ना है, कौन से क्वेश्चन में एलिमिनेशन लगेगा, कौन से क्वेश्चन में एलिमिनेशन नहीं लगेगा। ऑल दीज थिंग्स आर बीइंग डेल्ट इन दिस सीरीज। तो यहाँ पर देखो क्या है, अगर आप क्वेश्चन की बात करते हो तो यहाँ पर फिर से आपको स्टेप 1 देखना होगा। स्टेप 1 की बात करोगे तो स्टेप 1 यहाँ पर क्या होता है, क्या बता रखा है स्टेप 1? तो स्टेप 1 हमने बता रखा है कि भाई थीम को आइडेंटिफाई करो, थीम या कीवर्ड को आइडेंटिफाई करो, ठीक है। स्टेप 2 हमने क्या बता रखा है, तो स्टेप 2 हमने बता रखा है कि जो भी चीज़ आपने थीम या कीवर्ड को आपने आइडेंटिफाई किया है उसको आप क्या करो, उसको रिलेट करो, एक रिलेशन डेराइव करो वहां पर। उस रिलेशन को डेराइव करने के लिए फिर सोचो कि ऑप्शन किस में फिट बैठ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम पहले स्टेप को देखते हैं, अगर हम स्टेप 1 को देखते हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि पीसेस ऑफ अर्थ क्रस्ट आर इन द कॉन्स्टेंट स्लो मोशन ड्रिवन बाय द मूवमेंट इन द मेंटल इज कॉल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अगर हम कीवर्ड की बात करेंगे तो पीसेस ऑफ अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट जो है वो अपने आप में एक थीम बनेगा, ठीक है ना। दूसरा थीम क्या बनेगा, तो मेंटल एक थीम बनेगा। अब यहाँ पर रिलेशन आपको क्या दिख रहा है, तो भाई स्लो मोशन, कॉन्स्टेंट मोशन, स्लो मोशन, ये आपको एक रिलेशन यहाँ पर दिख रहा है। तो अब आपको क्या करना है, इसको सोचना है और चीजों को इससे रिलेट करते हुए एलिमिनेशन लगाना है। तो अब देखो यहाँ पर सिंपल सी बात है, हमें स्टेप 1 अगर हम सोच रहे हैं और स्टेप 2 अगर हम सोच रहे हैं, रिलेशन निकालने की सोच रहे हैं, तो हमें डिकोड करना पड़ेगा क्वेश्चन को। तो यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर क्रस्ट लिखा हुआ है। क्रस्ट जो है वो पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखा था कि पिज्जा क्रस्ट से मैंने रिलेट करके बताया था कि कुछ नहीं तो कम से कम क्रस्ट का ये मतलब समझ लो कि एक अब लैंड टाइप का कुछ होगा, कुछ बेसिक सा चीज होगा, कुछ बेस होगा, उसको क्रस्ट बोलते हैं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अर्थ जो है कोर, मेंटल, क्रस्ट, इसमें डिवाइडेड है, ठीक है ना। ये बेसिक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। अब यहाँ पर क्या होता है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये जो क्रस्ट है ना, ये मेंटल में मूवमेंट होने के कारण, मेंटल में मूवमेंट होने के कारण, स्लो मोशन या कैसा भी, मतलब मेंटल में मूवमेंट हो रहा है, इस वजह से ये जो क्रस्ट है वो हिल रहा है। तो यहाँ पर देखो क्या है, सीन क्या यहाँ पर बन रहा है 24 नंबर क्वेश्चन में, कि अब हमने स्टेप 1 भी देख लिया, स्टेप 2 भी देख लिया, इसको देख करके रिलेशन समझ लिया। अब हम लोग कहाँ पर जाएंगे, तो अब हम लोग यहाँ पर ऑप्शन को देखेंगे। तो ऑप्शन को देखने के लिए सबसे पहले यहाँ पर क्या है, पहला ऑप्शन क्या, द थियरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। क्या पता ये होगा नहीं होगा, पता नहीं। अब देखो ये सब क्वेश्चन क्या है ना, लोगों को आने चाहिए, लेकिन इन केस अगर नहीं आते हैं, क्योंकि ये सब एनसीईआरटी का क्वेश्चन, अगर ये नहीं आ रहा है तो प्रिपरेशन लैक कर रही है ना। लेकिन कई बार क्या होता है कि चलो ठीक है, कंफ्यूजन है, कुछ है कुछ है, और दूसरा क्या होता है कि अगर अभी हम एग्जाम दे नहीं रहे हैं, अभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी हम लोग सीख रहे हैं, तो जितने क्वेश्चन में लग सकता है, जितने क्वेश्चन में मैं लगा सकता हूँ, मैं उतने क्वेश्चन में लगा करके आपको दिखा रहा हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आप लगाओगे तो होगा क्या कि आपके पास लास्ट में टाइम की किल्लत बचेगी, क्योंकि 1 मिनट का समय आपको लगेगा ही लगेगा सोचने में, समझने में, कन्फर्म होने में, ये होने में कि हाँ मैं जो सोच रहा हूँ वही सही है, ठीक है। तो यहाँ तो खैर साफ साफ सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन यूपीएससी में दिक्कत हो जाती है। तो अब यहाँ पर देखो क्या है कि जो थियरी दैट स्टेट्स पीसेस ऑफ अर्थ क्रस्ट, ये सब आपने पढ़ लिया, ये पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, मेंटल क्रस्ट की बात यहाँ पर हो रही है। पहला ऑप्शन क्या है, थियरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। दूसरा क्या है, पेंजिया। तीसरा क्या है, थियरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। चौथा क्या है, थियरी ऑफ प्लेट बाउंड्रीज, ठीक है। अब यहाँ पर कोई भी ऑप्शन होगा उसको आपको क्या करना है, रिलेट करना है आपके थीम के रिलेशन से। तो थीम के रिलेशन में क्या बता रहा है कि भाई इसमें मूवमेंट हो रही है ना, इसमें मूवमेंट हो रही है। अब एक बात बताओ, प्लेट बाउंड्रीज क्या होता है, प्लेट बाउंड्रीज क्या होती है, प्लेट की बाउंड्री होती होगी ये, प्लेट बाउंड्री और क्या हो सकती है, प्लेट की बाउंड्री होती होगी। अगर प्लेट बाउंड्री मूव कर रही है, ठीक है, इन केस अगर प्लेट बाउंड्री मूव कर रही है, स्ट्रेचिंग मत समझना कि प्लेट बाउंड्री स्ट्रेच कर रही है, प्लेट बाउंड्री मूव कर रही है। तो जब प्लेट बाउंड्री मूव कर रही है तो ऐसा हो सकता है क्या कि प्लेट मूव ना करे, प्लेट बाउंड्री के मूव करने का क्या मतलब है, प्लेट का ही तो मूव करना होगा, बात को समझ रहे हो। इन केस अगर स्ट्रेचिंग भी होती है, जैसे मान के चलो यहाँ पर अगर ऐसा कुछ सोचो कि ये मान के चलो प्लेट है, इसकी ये जो ये स्ट्रेच कर रहा है इस तरफ, ऐसे ऐसे करके ये स्ट्रेच कर रहा है, ये स्ट्रेच कर रहा है, ये स्ट्रेच कर रहा है, तब भी ये मूवमेंट ऐसा कहलाता है। लेकिन आप एक बात बताओ, जब ये स्ट्रेचिंग हो रही है, ये जब स्ट्रेचिंग हो रही है, तो इसकी क्या गारंटी है कि ये स्ट्रेचिंग इस वाले पोर्शन में
इस वाले पोर्शन में इम्पैक्ट या इफेक्ट ना दे। चांसेस है ना कि स्ट्रेचिंग हो रही है तो कुछ ना कुछ डेंसिटी कम होगी, कुछ तो कम होगा, क्योंकि मटेरियल तो यही वाला इधर जाएगा ना, थिकनेस कम होगी, कुछ तो कम होगा, है ना। तो यहाँ पर जब प्लेट बाउंड्रीज बेसिकली अगर ये चीजें ऐसी चल रही है, तो उस प्लेट बाउंड्रीज का जो मूवमेंट है वो क्रस्ट में दिखे, और इतना ज्यादा दिखे, ठीक है, कि इतना ज्यादा दिखे कि ऐसा एक क्वेश्चन आ जाए, और स्लो मोशन में वो इतने डोमिनेंट फॉर्म में हो, तो ये होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, ठीक है। लेकिन हमें डाउट हो गया, पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा। दूसरा यहाँ पर है थियरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स का क्या की थियरी क्या है कि भाई प्लेट जो है वो मूव, बेसिक यही समझो, क्योंकि जब डिटेलिंग पढ़नी होगी तो हमारे कोर्स में बाइलिंगुअली चीजों को डील किया गया, हिंदी मीडियम के लिए भी और इंग्लिश मीडियम के लिए भी। हिंदी माध्यम के बच्चे भी लाभ उठा सकते हैं और इंग्लिश माध्यम के लिए तो वो बेनिफिशियल है ही। तो प्लेट टेक्टोनिक्स का क्या मतलब हो रहा है, प्लेट मूव कर रही है, ठीक है। थियरी ऑफ पेंजिया की बात करते हैं, है ना, थियरी ऑफ पेंजिया की बात करते हैं। तो जो थियरी ऑफ पेंजिया है वो क्या बताता है, तो वो बताता है कॉन्टिनेंट के मूवमेंट को, या पेंजिया क्या है, एक तरीके का लैंडमास है, ठीक है। थियरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट क्या है, तो पहले जो कॉन्टिनेंट्स थे वो एक जगह थे, उनकी ड्रिफ्टिंग हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप ड्रिफ्ट की बात कर रहे हो, है ना, और ड्रिफ्ट की बात कर रहे हो, रीजन क्या है इसका, इसका रीजन कहाँ छुपा हुआ है, इसका रीजन मेंटल में छुपा हुआ है, ये आपको कैसे पता, तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। अब बताओ कि जब कोर मेंटल क्रस्ट में ये अर्थ सरफेस डिवाइडेड है ना, तो अंदर से मतलब कि मेंटल अगर जहां पर भी यूज हो रहा है, जो जो वर्ड है मेंटल यूज जो ये हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ये अर्थ के निचले हिस्से की बात कर रहा है ना, अर्थ के, तो ये निचले हिस्से की बात कर रहा है। लेकिन यहां पर देखो जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की बात हो रही है, ये अर्थ के ऊपर हिस्से की, ऊपरी हिस्से, कॉन्टिनेंट तो ऊपर है ना भाई, आप समझ रहे हो, और कॉन्टिनेंट तो ऊपर है, और जो यहाँ पर जो ड्रिफ्टिंग की भी बात हो रही है, वाई कॉन्टिनेंटल मतलब कॉन्टिनेंट की ही ड्रिफ्ट की बात, कॉन्टिनेंटल प्लेट के ड्रिफ्ट की बात क्यों होगी, ओशनिक प्लेट के ड्रिफ्ट की बात क्यों नहीं होगी, प्लेट तो प्लेट है, तो वाई स्पेसिफिकली कॉन्टिनेंट। सिमिलर लॉजिक आप इसमें लगा सकते हो, वाई स्पेसिफिक मतलब पेंजिया, ये स्पेसिफिकली क्यों होगा, क्योंकि जेनरिक आंसर यहाँ पर दिख रहा है थियरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, इसको फोर्स मिलता है मेंटल से, और क्रस्ट में आपको ये चीज देखने को मिलती है ना, और इसमें आपको कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है। मेंटल तो कहीं पर भी लगा सकता है ना फोर्स, तो ओशियन भी, ओशियनिक प्लेट भी मूव कर सकते हैं, प्लस ये वाले प्लेट भी अपने कॉन्टिनेंटल प्लेट भी मूव कर सकते हैं। आप रेस्ट्रिक्ट कैसे कर सकते हो कि जो अर्थ है वो बस और बस जमीन पर ही फोर्स लगाएगा, वो तो प्लेट है ना भाई, वो तो किसी पर भी लगा सकता है। अब मान लो भारत है, ठीक है, भारत या इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, वहां पर फोर्स लग रहा है, आप इसकी गारंटी दे सकते हो क्या कि इंडियन ओशियन पर नहीं लग रहा हो, गारंटी नहीं है इसकी, हो सकता है नहीं लगे, बट ज्यादा चांसेस लग रहा है, क्योंकि वो उसी रीजन में आ रहा है, जियोलॉजिकली मैनमेड नहीं है ना कि स्पेसिफिकली प्रिसाइजली करेंगे, तो इसलिए ये एक जेनरिक आंसर होगा, आंसर नंबर सी, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको देखनी होगी। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर एमआरएनए का, है ना। अब एमआरएनए की जब आप बात कर रहे हो, मैसेंजर आरएनए की, तो ये मैसेंजर आरएनए ही होगा, ये इजी क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पर ध्यान रखना हमेशा, ये साइंस का क्वेश्चन है और ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो ये नहीं हो सकता है बिना नॉलेज के, आपको एग्जैक्ट नॉलेज होनी चाहिए। आप एलिमिनेट हो सकता है, ठीक है, म्यूटेंट करके कुछ नहीं होता, नेमोनिक करके कुछ नहीं होता, लेकिन भाई आपको पता होना चाहिए कि म्यूटेंट नहीं होता है ना। आप आरएनए को मॉडिफाई कैसे कर दोगे, ये सब आपको आरएनए का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो मैं वही बोल रहा हूँ, एलिमिनेशन आप तब भी कर सकते हो यहाँ पर आपको नॉलेज लगेगी। यहाँ पर क्या है, आप बेसिक बेसिक बातों से एलिमिनेट कर दे रहे हो, इस टाइप के क्वेश्चन में या इस टाइप के क्वेश्चन में या इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या कर रहे हो, आप बेसिक बेसिक बातों से, क्रस्ट है तो पिज्जा क्रस्ट से रिलेट करके आपने कर दिया, ठीक है ना, सबडक्शन है तो सबडक्शन, सब इंस्पेक्टर, ये सब लगा के कर दिया, एलिमिनेट। यहाँ पर भी एलिमिनेशन होता है, साइंस में भी एलिमिनेशन होता है, ऐसा नहीं है कि साइंस में एलिमिनेशन नहीं होता, लेकिन आपको एक बेसिक नॉलेज चाहिए होगी उसके लिए। अब यहाँ पर इस वीडियो में मैं बेसिक नॉलेज नहीं बता सकता, वीडियो लंबी हो जाएगी, वैसे भी लंबी हो रही है, तो यहाँ पर क्या है ना कि आपको समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। उसके बाद एन एसी करंट, अब यार यहां पर भी फिर से ये साइंस टाइप की चीज है। अब एसी करंट को आपको इतना आइडिया आपके पास होना चाहिए कि एसी करंट का फुल फॉर्म है ऑल्टरनेटिंग करंट, है ना। यहां पर ऑल्टरनेशन की बात हो रही है, मतलब कि यहां पर आप कुछ भी बात करोगे तो यहां पर ऑल्टरनेटिव चीजें चलेगी, करंट जो है ऑल्टरनेटिव फॉर्म में चलेगा।
तो अगर ये ऑल्टरनेटिव फॉर्म में करंट चल रहा है, ऑल्टरनेट कहने का क्या मतलब है कि, या छोड़ो, और जैसे ये ग्राफ है ठीक है, इस ग्राफ को भी हम छोड़ते हैं, ग्राफ अच्छे से नहीं है, लेकिन ऑल्टरनेट का क्या मतलब होता है? अगर मैं आपको बोलूँ कि आपकी क्लासेस ऑल्टरनेटली चलेगी, तो ऑल्टरनेटली क्लासेस चलने का क्या मतलब है? मतलब ये है कि भाई आपका संडे चलेगा, फिर मंडे नहीं चलेगी, फिर ट्यूजडे, फिर वेडनेसडे नहीं, थर्सडे, इस तरीके से ऑल्टरनेटली ये चीजें चल रही है। इसका मैं, अगर कोई चीज ऑल्टरनेटली चल रही है, कोई भी चीज ऑल्टरनेटली चल रही है, इसका मतलब कुछ, अगर ऑल्टरनेट करके कुछ एग्जिस्ट करता है तो रेगुलर करके भी कुछ एग्जिस्ट करेगा, है ना? तो करंट की भाषा में उसको डायरेक्ट बोलते हैं, डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट का क्या मतलब होता है कि डायरेक्टली आपके पास वो करंट आ रहा है, ठीक है? तो अब जैसे ट्रांसफार्मर है ना, ट्रांसफार्मर है, वो क्या करता है, आप ट्रांसफार्मर आपको डायरेक्टली करंट यहां पर ला करके आपको देता है। चोक कॉइल की बात करते हैं, है ना? चोक कॉइल क्या करता है, तो भाई चोक कॉइल कुछ नहीं करता, आप चोक कॉइल को अगर कनेक्ट कर दोगे तो ये भी डायरेक्टली करंट आपको देगा। डायनमो की बात करते हैं तो ये डायरेक्ट करंट नहीं देता, ठीक है? ये ऑल्टरनेट करंट देता है। ऑल्टरनेट करंट समझ रहे हो, जहां कोई भी सोर्स जहां से आप डायरेक्टली करंट डिराइव कर पाओ वो डायरेक्ट करंट है, जैसे ट्रांसफॉर्मर। जहां से आप डायरेक्ट करंट नहीं ले पाओ, जैसे डायनमो, वो ऑल्टरनेट करंट है। तो आप डायनमो यहां से निकाल सकते हो, इस तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद देखो, अगेन यहाँ पर हमारी टीम आपके लिए स्टेट पीसीएस, खास करके बीपीएससी और यूपीएससी के लिए लगी हुई है। हमारे पास कई सारे कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज हैं, ठीक है, विथ 300+ आवर्स। तो आप यहाँ पर, और उस कोर्स में आपको आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग, ठीक है, आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग सीरीज, आंसर राइटिंग सेशन आपको मिलेगा, प्लस प्रीलिम्स का, प्रीलिम्स के बारे में भी आपको मिलेगा कि किस तरीके से प्रीलिम्स के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, किस तरीके से, कौन कौन से। अभी मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमी का कुछ टॉपिक है, सारी इकोनॉमी पढ़ने की जरूरत नहीं है हमें, कुछ टॉपिक है वहीं से क्वेश्चन आते हैं। तो ये हैंड होल्डिंग आपको सपोर्ट मिलेगा, है ना? आपको जो सपोर्ट मिलेगा वो हैंड होल्डिंग सपोर्ट होगा। आप हमसे जुड़िए, हमारे, अगर आप कोर्सेज नहीं लेते हैं तो आप हमारे मेंटरशिप सेशन को अवेल कर सकते हैं, और ये आपको डिसिप्लिन रखता है ना? और ये जो भी बातें हो रही है ये सब टू वे कम्युनिकेशन की होगी, और ये ऑलमोस्ट या तो ऑल्टरनेट या तो रेगुलर बेसिस पर हम टच में रहते हैं स्टूडेंट के। आप पिछली वीडियो को देखना, जो सबसे पहली वीडियो बीपीएससी ओरिएंटेशन वाली गई थी, उसमें आपको पता चलेगा किस तरीके से हम चीजों को लेकर के चलने वाले हैं, है ना? मॉड्यूल्स बने हुए हैं, स्केड्यूल्स बने हुए हैं, आपको फोर्स किया जाएगा पढ़ो, है ना? आप, डंडा जब रहता है ना तो इंसान ज्यादा डिसिप्लिन अपने आप में फील करता है, चाहे कोई भी हो। तो हम लोग उस डंडे का काम करते हैं, है ना? उस डंडे का काम हम लोग करते हैं। तो ध्यान रखना, अगर पीसीएस के लिए सीरियस हो, बीपीएससी के लिए सीरियस हो, और ऐसा लगता है कि चीजें नहीं हो रही है, कहीं कहीं नहीं हो पा रही है, तो हमारे साथ आप जुड़िए, आपको बेनिफिट दिखेगा, है ना? दिखेगा। तो चलिए, उसके बाद हम आते हैं करंट डेंसिटी पर। ये भी एक साइंस का क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए करंट डेंसिटी। अब क्या है, करंट है, डेंसिटी है, तो इसका मतलब क्या है कि चीजें करंट से ही रिलेटेड है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि करंट स्केलर है या वेक्टर है। अगर आपको यही नहीं पता कि करंट स्केलर है या वेक्टर है, तो आप इसको एलिमिनेट नहीं कर पाओगे, आप इसको 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 एलिमिनेट नहीं कर पाओगे, ठीक है? ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। उसके बाद क्या है, उसके बाद हम आते हैं, व्हाट इज द बेसिस ऑफ मोस्ट यूजफुल क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिकेशंस इन मेडिकल केमिस्ट्री, ठीक है? अब यहां पर भी क्या है, यहाँ पर फिर से हम आंसर निकालने या आंसर बताने के लिए नहीं बैठे हैं, यहाँ पर हम लोग नॉलेज वाले पार्ट से डील नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग स्किल वाले पार्ट से डील कर रहे हैं, है ना? वी आर डीलिंग विथ स्किल्स, विथ स्किल सेट। तो यहाँ पर एक सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात यहाँ पर क्या है कि जब तक आपके पास प्राइमरी नॉलेज यहाँ पर नहीं होगा, यू नीड टू हैव प्राइमरी नॉलेज। अगर आपके पास प्राइमरी नॉलेज नहीं होगा, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, है ना? यहाँ पर आपको ये जानना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पर देखो, फिर से ये क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यहाँ पर भी आपको ये क्वेश्चन भी एलिमिनेट हो जाएगा। एलिमिनेटिव क्वेश्चन वैसे क्वेश्चन होते हैं ना जो फैक्चुअल नहीं हो, जहां पर आप ज्यादा फैक्ट की बात ना कर पाओ, जहां पर फैक्ट्स नहीं हो, फैक्चुअल नॉलेज को एलिमिनेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसीलिए यूपीएससी वाला एलिमिनेशन मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहां पर फैक्ट वाले चीज को एनालाइज करना पड़ता है ना? यहाँ पर क्या है, वो चीजें है ही नहीं।
अब देखो यहाँ पर क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग स्लोज डाउन द रिएक्शन रेट। तो यहाँ पर फिर आप स्टेप वन से जाओगे, ठीक है, स्टेप वन से जाओगे, फिर आप क्या करोगे, फिर आप स्टेप टू को ढूंढोगे, है ना। पहले तो स्टेप वन से जाओगे, फिर आप स्टेप टू को ढूंढोगे। अब स्टेप वन क्या होगा, तो भाई थीम को आइडेंटिफाई करना। स्टेप वन तो वही होगा ना कि आप थीम को आइडेंटिफाई करोगे। स्टेप टू आपका क्या होगा, स्टेप टू आपका होगा कि आप रिलेशन को गॉच करोगे। तो यहां पर अगर मैं थीम को पकड़ने की कोशिश करूं, तो थीम यहां पर क्या है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्लोज डाउन द रिएक्शन रेट। रिएक्शन रेट कौन स्लो डाउन कर रहा है, ये है आपका क्वेश्चन। और यहां पर थीम क्या है, तो रिएक्शन रेट। यहां पर रिलेशन क्या है, तो स्लोज डाउन। मतलब हमें ये बताना है कि रिएक्शन कैसे स्लो होगा, है ना, रिएक्शन कैसे स्लो होगा हमें वो बताना है। तो यहां पर देखो ऑप्शन को देखते हैं, और ऑप्शन को इसी थीम के साथ रिलेट करने की कोशिश करते हैं, पिरोने की कोशिश करते हैं। जहां पर ये पजल फिट बैठ गया, वही आपका आंसर होगा, है ना। यहां पर सीधा सीधा प्रमोटर लिखा हुआ है। अगर प्रमोटर बोल करके कुछ होता है, तो डिमोटर बोल के भी कुछ होगा ना, तो ये तो प्रमोटर होगा ही नहीं। प्रमोटर का क्या मतलब है, जो एनहेंस कर दे, जो फास्ट कर दे। क्वेश्चन यहां पर क्या है, स्लो, ये तो होना नहीं है। होमोजेनस कैटलिस्ट, हेट्रोजेनस कैटलिस्ट। अब यहां पर कैटलिस्ट का काम क्या होता है, जब आप पढ़ोगे कैटलिस्ट के बारे में, तो आपको ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है मेजरली, ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। होमोजेनस कैटलिस्ट का क्या मतलब है, कोई भी रिएक्शन हो रहा है ना, मान लो रिएक्शन दो गैसेस के बीच में हो रहा है, रिएक्शन तो एलिमेंट के बीच में ही होगा। हो सकता है एलिमेंट सॉलिड हो, सकता है एलिमेंट लिक्विड हो, सकता है एलिमेंट गैस हो, कुछ भी हो सकता है वो। अगर दो गैसेस के बीच में रिएक्शन हो रहा है और कैटलिस्ट डाल दिया गया, तो कैटलिस्ट भी गैस होना चाहिए, तभी वो होमोजेनस बनेगा। क्योंकि होमोजेनस का क्या मतलब होता है, सिमिलर। भारत की सोसाइटी एक हेट्रोजेनस सोसाइटी है, क्यों, क्योंकि यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रहते हैं। पाकिस्तान की सोसाइटी एक होमोजेनस सोसाइटी है, क्यों, सिर्फ मुसलमान रहते हैं। अब ये मत कहना कि मुसलमानों के अंदर भी भेद है, तो क्रिश्चियन भी रहते हैं, 2% हिंदू भी रहते हैं, मेजरली तो मुस्लिम्स ही है ना। ब्रॉड लेवल की बात कर रहा हूँ, अंदर पर मत जाना। वैसे तो यहाँ जाति भी है, जाति मतलब कास्ट, है ना, कोई जाति नहीं है, जाति कास्ट। तो यहाँ पर अब उस लेवल पर हम लोग इस पर बात नहीं कर रहे। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है कि कैटलिस्ट का मतलब इंक्रीज करता है रिएक्शन, और अगर रिएक्शन इंक्रीज कर रहा है यहाँ पर, तो होमोजेनस होगा, हेट्रोजेनस होगा। अगर गैस गैस के बीच में रिएक्शन हो रहा है, तो कैटलिस्ट गैस है, तो इस केस में ये होमोजेनस होगा। गैस गैस के बीच में रिएक्शन हो रहा है, अगर कैटलिस्ट लिक्विड है ना, अगर कैटलिस्ट आपका लिक्विड आ जाता है, तो ये हेट्रोजेनस होगा। तो इस केस में क्या हो रहा है कि हमें पता ही नहीं चल पा रहा है कि कौन इसको रिएक्शन रेट को स्लो करेगा, कम करेगा, हमें नहीं पता चल पा रहा है। तो इस केस में क्या होगा कि प्रमोटर तो प्रमोट करेगा कैटलिस्ट, और कैटलिस्ट प्रमोट करेगा, तो बचता है फिर नॉन ऑब्जर्वर। आई होप आई एम मेकिंग सेंस, है ना, समझ में आ रहा होगा आपको। उसके बाद यहां पर देखो फिर से क्वेश्चन वही है ना। तो क्वेश्चन आपको यहां पर क्या करना है, और क्या दिखा है क्वेश्चन आपको, आपको फिर से थीम पकड़ना है। आपको क्या करना है, फिर से थीम पकड़ना है, ये आपका स्टेप वन है। फिर आपको रिलेशन देखना है, ये आपका स्टेप टू है ना। थीम पकड़ना है, रिलेशन देखना है। यहां पर देखो इनपुट एंड आउटपुट नर्व्स मीट एट, ठीक है, इनपुट एंड आउटपुट। अब इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस आपने सुन रखा होगा, या नहीं भी सुना है तो इनपुट का क्या मतलब है, इनपुट दिया जाता है, मतलब कुछ चीजें इम्बाइब की जाती है। आउटपुट का क्या मतलब है कि मैंने कुछ दिया तो वहां से मुझे कुछ मिला, है ना, मैंने कुछ दिया तो मेरे को वहां से कुछ मिला। तो अब इनपुट एंड आउटपुट नर्वस सिस्टम मीट एट, इनपुट एंड आउटपुट अगर बायोलॉजी। अब देखो ऑप्शन देख करके ये पता चल रहा है कि भाई ये कहीं ना कहीं बायोलॉजी से रिलेटेड है। जनरली साइंस के ऐसे क्वेश्चन में तो नहीं लगता एलिमिनेशन, पर इसमें मैं लगाने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां पर क्या है कि इनपुट एंड आउटपुट की बात हो रही है, इनपुट एंड आउटपुट नर्व्स मीट एट, कहां पर वो मिलता है। तो यहां पर देखो एक तो लीवर है, नर्वस सिस्टम है, हार्ट है, नन ऑफ नन ऑफ द अबव। तो यहां पर इनपुट एंड आउटपुट और नर्व्स है, इसका मतलब कि अगर आप मैसेज, अब देखो यहां पर अगर बायोलॉजी की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं यहां पर बॉडी की बात हो रही होगी, शरीर की बात हो रही होगी, है ना, यहां पर शरीर की बात हो रही होगी, बॉडी की बात हो रही होगी। तो अब बॉडी में, बॉडी अगर इनपुट दे रही है, बॉडी के इनपुट देने का क्या मतलब है कि बॉडी कुछ करना चाह रही है, मतलब सिग्नल दे रही है ना। जैसे मान लो कि मेरे पास पेन है, मेरे पास मेरा हाथ है, तो मेरी बॉडी, मेरा जो नर्वस सिस्टम है, वो इनपुट दे रहा है कि भाई हाथ हिले, और हाथ एक्चुअल में मैं हिला रहा हूँ, हिला पा रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है, वो आउटपुट हो रहा है ना। मतलब इनपुट क्या हुआ, मेरे मतलब मैसेज गया कि भाई हमें हाथ हिलाना है, मच्छर है हमें मच्छर मारना है, हाथ से मारना है, हाथ हिलाना है।
उसके बाद आउटपुट क्या आया, मेरा हाथ हिला, उस हाथ पे गया, मच्छर मरा, है ना। तो बॉडीली अगर देखोगे तो बॉडीली इनपुट क्या गया कि हाथ हिलाना है, आउटपुट बॉडीली क्या आया, मेरा हाथ हिल गया। ये कैसे हो रहा है, ये कहां से हो रहा है ना, ये कहां से हो रहा है? तो ये लिवर से होगा क्या, नहीं होगा। ये हार्ट से होगा क्या, नहीं होगा। ना ये लिवर से होगा ना ये हार्ट से होगा, या तो ऑप्शन बी होगा या तो ऑप्शन डी होगा। इतना तक तो कम से कम आप आ जाओगे, है ना। ये बहुत ही बेसिक एलिमिनेशन था, इससे बेसिक एलिमिनेशन क्या होगा। अगर आपको ये भी टफ लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तो फिर हम और मतलब नीचे से इसको लेकर के जाएंगे, है ना। तो यहां पर देखो क्या हो रहा है, लीवर और हार्ट तो नहीं होगा, दिल से डिसीजन नहीं लेता है ना। तो अब यहां पर क्या हो रहा है कि ये दोनों खत्म हो गए। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का क्या मतलब है, यहीं पर नर्व्स का गढ़ होता है, और यही स्पाइनल कॉर्ड वाला, समझते हो, वो वाली बात यहाँ पर हो रही है। वो वहां से कनेक्टेड होता है ब्रेन से, फिर ब्रेन को वो एक्शन करने के लिए बोलता है। तो मोस्ट प्रोबेबली आंसर ये होना चाहिए, अगर क्योंकि नर्व्स की बात है और ये नर्वस सिस्टम है, आप समझ रहे हो, नर्व नहीं लिखा है यहाँ, नर्व्स लिखा हुआ है, प्लूरल है ये। इसका मतलब कि एक नर्व ने कई सारे नर्व्स होंगे वहां पर, है ना, कई सारे नर्व्स होंगे जो इनपुट एंड आउटपुट के कोऑर्डिनेशन करते होंगे। तो ये कहाँ हो रहा है, सेंटर में हो रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसका एक मोस्ट प्रोबेबल आंसर होना चाहिए। हालांकि अगर कोई डी भी मार रहा है तो डी यही सोच के मारेगा कि कहीं ना कहीं ब्रेन हो सकता है ना। ये समझ में आता है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली लोग नहीं मारेंगे, इजी क्वेश्चन है, वो ब्रेन नहीं मारेंगे क्योंकि उनको पता है कि ये इसी से जुड़ा हुआ होता है। लेकिन अगर फिर भी कुछ भी नहीं पता है तो एटलीस्ट यहाँ पर आप बी और डी में आ सकते हो, तो ये एक रहा। उसके बाद यहाँ पर शिपरेक की बात की गई है। देखो ये क्वेश्चन एलिमिनेट नहीं होगा, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, गोवा आंसर है इसका। उस समय काफी न्यूज में भी था ये, जब ये पेपर आया था। तो ये फैक्चुअल जो ये जो क्वेश्चन है ये वाला, तो इसमें चीजें क्या चलती हैं, इसमें चीजें ये चल रही हैं कि जो गोवा है, लक्षद्वीप है, तमिलनाडु है, उड़ीसा है, ये सब मतलब कि एक तरीके से आप देखोगे कोस्टल रीजन पर ही है सब कुछ, है ना। तो या तो आपको चीजें यहाँ देखने को मिल, या तो आपको यहाँ कुछ देखने को मिलेगा, यहाँ देखने को मिलेगा। अब इसमें आपको एलिमिनेट करना मुश्किल हो जाएगा, इस इन्होंने क्वेश्चन में ही हिंट दे रखा है। तो क्वेश्चन में क्या इन्होंने हिंट दे रखा है, तो इन्होंने आमी शोल, सूची रीफ, ग्रैंडे आइलैंड, इन सब का यहाँ पर इन्होंने वो दे रखा है। पर आपको ये पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर है। अगर बेसिक इनमें से कोई एक भी पता है तो आप आंसर कर दोगे, अदरवाइज आंसर करना बहुत मुश्किल है, रिस्क लोगे, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब देखो यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, ठीक है, एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखो यहाँ पर भी इस टाइप के जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना चाहिए, एकदम झपट्टा मारना चाहिए कि भाई एलिमिनेट होगा। तो यहाँ पर अगर मैं स्टेप वन की बात करूं, अगर मैं यहाँ पर स्टेप वन की बात करूं और फिर स्टेप टू की बात करूं, है ना, स्टेप वन की बात करूं और स्टेप टू की बात करूं, तो स्टेप वन में क्या होगा कि आपको थीम आइडेंटिफाई करनी होगी, स्टेप टू में क्या होगा आपको रिलेशन देखना होगा, है ना, रिलेशन देखना होगा। अब एक चीज आप देखो, यहां पर एक चीज कॉमन है, क्या कॉमन है कि ऑप्शन हमने अभी पढ़ा नहीं है, हमें पता नहीं क्या है, क्या G20 क्या होता है, हमें ये भी नहीं पता। बस इतना कुछ पता है G20 मीट हुई थी तो कुछ देश आकर के मिलते हैं, और कितने देश होते हैं, अब 20 लिखा हो तो समझ सकते हैं कि 20 ही देश होंगे, इंडिया है कि नहीं है पता नहीं, जो भी है हमें कुछ नहीं पता। लेकिन हम एक चीज जरूर, और हमें ये सब डेटा भी याद नहीं है, हमें कुछ नहीं पता कि 2/3 है, 50 है, 85 है, कितना है हमें पता नहीं। लेकिन एक चीज यहाँ पर हम देख सकते हैं भाई, वो भाई लोग वो ये देख सकते हैं, हर एक ऑप्शन में वन कॉमन है, वन 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 वन। इसका मतलब ये है वन तो करेक्ट है ही, आप वन को इनकरेक्ट मान ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो तो हर ऑप्शन में है, आप कोई भी ऑप्शन चुन लो ABCD में से, वन तो होगा। अगर वन होगा, अगर इतनी श्योरिटी के साथ अगर हम कह रहे हैं कि वन तो होगा ही और वन होना ही चाहिए, तो अगर इन केस वन हो रहा है यहाँ पर, तब देखो यहाँ पर हम एक चीज की एक चीज को कंफर्म यहाँ कर सकते हैं कि जो ग्लोबल GDP का शेयर है G20 देश, ग्लोबल GDP का जो शेयर है, जो G20 देश शेयर करता है, वो 85% है। इसका मतलब कि अगर 100 रुपए पूरी दुनिया कमा रही है, अगर पूरी दुनिया 100 रुपए कमा रही है, ठीक है, सब कुछ यूएसए वैसे पूरी दुनिया जितने देश हैं सब अगर 100 रुपए कमा रहे हैं, तो G20 वाले देश उसमें से 85% कमा ले रहे हैं, मतलब 85 रुपए उसमें से G20 वाले देश कमा पा रहे हैं, ये हमें समझना होगा, है ना। और जब G20 का क्या मतलब है, 20 देश, तो मतलब 20 देश 85 रुपए ले ले रहे हैं, और बाकी जो बचे देश हैं 196-98 जो भी है ना, बाकी जितने देश बच गए वो बस 15 रुपए में उनको संतोष करना पड़ रहा है,
इसका ये मतलब आ रहा है। आप इस चीज को गलत नहीं, आप इस चीज को गलत नहीं कह सकते, इस चीज को आप गलत नहीं ठहरा सकते। वो क्यों नहीं गलत ठहरा सकते भाई? क्योंकि ऑलरेडी वन सब में दिया हुआ है ना, वन सब में दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर ये सारी चीजें होगी। अब यहाँ पर देखो, अबाउट 50% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड, अबाउट 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो जब वन सही है, आपको ये पता चल गया कि पैसा 85% वो कमा रहा है, तो आपको लगता है कि जो बंदा, जो आदमी 85% ग्लोबल जीडीपी रख रहा है, दुनिया की जीडीपी का, ग्लोबल जीडीपी का 85% रख रहा है, वो ग्लोबल ट्रेड में बस 50% का ही शेयर रखेगा? ये 50% बहुत कम हो जाएगा, आप समझ रहे हो? आप जितना ज्यादा पैसा कमाओगे, जितने ज्यादा आप पैसा कमा रहे हो, आपको एवरेज उतना ज्यादा काम करना पड़ेगा। अब ये मत कहना मजदूर ज्यादा काम करता है, ऑफिस में बैठने वाला कम करता है, ऑफिस वाला ज्यादा कमाता है, वो मेंटल वाली चीज बन रही है। यहाँ सीधा सीधा आपसे ट्रेड पूछ रहा है। और जीडीपी या व्यापार होता कैसे? ट्रेड से ही तो होता है। नौकरी तो बिहार, यूपी, और देखना जहां पर भी सर्विसेज की बात होती है, नौकरियों की बात होती है, जो भी राज्य नौकरियों की बात कर रहा है, अंडर डेवलप है। जो देश नौकरियों पर टिका हुआ है वो अंडर डेवलप है। तो यहाँ पर तो ट्रेड की, ग्लोबल ट्रेड की ही बात होगी। तो जो G20 का जो समूह है, वो 85% अगर ग्लोबल जीडीपी बना रहा है, तो वो 50% का ग्लोबल ट्रेड नहीं रखेगा, उससे ज्यादा रखेगा। 75 हो सकता है, 80 हो सकता है, 85 हो सकता है, हाँ 85 से ज्यादा भी नहीं होगा। क्योंकि जैसे ही ग्लोबल ट्रेड अगर ज्यादा हो गया 85 से, तो वो जीडीपी भी ज्यादा होगी। 86 भी नहीं हो सकता, 87 भी नहीं हो सकता, उसको 84 हो सकता है, वो 80 हो सकता है, वो 75 हो सकता है, वो 70 भी नहीं जाएगा, 70 जाएगा, चलो 70 भी चला गया, 65 नहीं जाएगा। क्योंकि अगर 65-85 20% का गैप नहीं मैनेज हो सकता है ना, अगर 20% का गैप मैनेज करना पड़ेगा, तो आपको सर्विसेज बढ़ानी होगी। सर्विसेज कहाँ पर ज्यादा बढ़ी हुई है? तो इंडिया जैसे देशों में, साउथ ईस्ट एशिया जैसे देशों में बढ़ी हुई है। तो क्या इतनी ज्यादा बढ़ी हुई है कि उससे ग्लोबल जीडीपी तुम 85% लेकर के आ जाओ? नहीं है ना, इसका मतलब ट्रेड पर ही डिपेंडेंट है। और ये ट्रेड दोनों का है, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों का ट्रेड है ये। तो इसीलिए दूसरा गलत हो जाएगा। जैसे ही दूसरा गलत होगा, काट दो, कट गया। अब हमें एक और तीन देखना है, या तो आंसर एक होगा या तो आंसर तीन होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। अगर हमें इन दोनों में से डिसीजन पर आना है कि कौन सा आंसर सही होगा, तो तीसरा पढ़ते हैं, अबाउट 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, है ना, 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन का क्या मतलब है कि अराउंड 66%, 66%। तो हमें ये देखना होगा कि ये जो G20 वाली जो 20 देश है, इसमें क्या इंडिया, चाइना इस तरह के देश आते हैं, है ना, क्या इंडिया चाइना जैसे देश आते हैं? और दूसरी बात ये है, दूसरी बात यहाँ पर ये बनती है कि जिस देश में जो ग्रुप 85% का ग्लोबल जीडीपी मेंटेन किए हुए है ना, उसकी पॉपुलेशन ज्यादा होगी ही होगी। और ये एग्जैक्ट नहीं बोल रहा है कि 2/3 एग्जैक्ट है, ये अबाउट बोल रहा है। ये 60% भी हो सकता है, ठीक है, ये 70% भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। तो आपको नहीं, मतलब आप ये कह सकते हो ना कि जो G20, जो अगर बड़े देश इसमें इंक्लूड हो गए, तो चांसेस है कि ये भी करेक्ट होगा। हाँ, वहां पर ये चीज डिराइव करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी आप 50-50 में आ गए हो। और जैसे ही आप 50-50 में आए हो, 50% से आपके क्वेश्चन को करेक्ट होने का, जो जो आपका जो क्वेश्चन के करेक्ट होने का चांसेस 50% से बढ़ गया है ना। अगर आप 50% से बढ़ने का प्रोबेबिलिटी है ना, और 50% से बढ़ने का क्या मतलब है, अगर इस तरह के आप 50-50 पर भी आ गए हो, उसके बाद भी कभी उस पर भी डील करेंगे कि 50-50 से कैसे मतलब निकला जाता है, एक पूरा का पूरा लॉजिकल सेट है वो, यहाँ पर करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। यहाँ पर देखो क्या है, अगर आप ऐसे 10 क्वेश्चन में भी 50-50 पर फंसे हो, है ना, और आपका बस 5 क्वेश्चन, 5 तो एटलीस्ट सही होगा ही होगा, है ना, 5 सही होगा, 5 को सही होना है, क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी है, मैथ्स है, मैथ गलत नहीं होगी। तो उस केस में क्या, अगर ऐसे केसेस बनते हैं और ऐसा कुछ होता है, तो उस केस में सिंपल सी बात है, ये हो जाएगी कि आपको 5 क्वेश्चन का नेट फायदा होगा, है ना, नेट 5 क्वेश्चन आपके बच रहे हैं। नेट कहने का मतलब 5 क्वेश्चन वैसे बच रहे हैं, और नेगेटिव मार्किंग को हटा दो तो 4 क्वेश्चन के आसपास, 4.5, 4 क्वेश्चन आपके बचते हैं, तो ये मार्क्स आपको ऊपर लेकर के जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब यहाँ पर देखो यार, ये मर्सनरीज ग्रुप के बारे में है, ये सीधा सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है ना, ये क्या है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको इस चीज को ध्यान में रखना होगा, फैक्चुअल क्वेश्चन में ये चीजें नहीं लगेगी। अगर आपको पता है तो पता है, अदरवाइज पता नहीं है। यहाँ पर भी देखो, मैं चाहूँ तो इसको एलिमिनेट कर सकता हूँ, है ना, इसको बिल्कुल एलिमिनेट किया जा सकता है, क्योंकि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट की बात की जा रही है। जेंडर के बीच में गैप है ना, दुनिया में किस बात पर जेंडर के गैप, मतलब जेंडर का क्या मतलब है कि मेल होगा
है ना, एंड एंड फीमेल होगी, मेल है फीमेल है। अब ये जो मेल और फीमेल के बीच में किस टाइप के गैप की बात कोई रिपोर्ट कर सकता है, किस टाइप के गैप की बात करेगा? सोशल गैप की बात कर सकता है, और किस टाइप के गैप की बात करेगा? सोशल गैप की बात जनरली करते नहीं है क्योंकि फेमिनिज्म ये वो आ चुका है, तो वो है इकोनॉमिक गैप की बात ये कर सकता है ना, ये क्या कर सकता है, ये इकोनॉमिक गैप की बात कर सकता है। अब यहां पर देखो इकोनॉमिक गैप, इकोनॉमिक कहाँ कहाँ रिलेटेड है, तो यूएनडीपी इकोनॉमी से नहीं रिलेटेड है, यूएन वुमेन इकोनॉमी से नहीं रिलेटेड है। अब दो ही ऑप्शन बचते हैं आपके पास, वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसमें फंसोगे है ना। और वर्ल्ड बैंक इस तरीके की चीजें नहीं करता है, वो लोन की बात करता है, वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, तो ये सब लोन वोन की बात करते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली आंसर ये होगा। लेकिन इसके लिए फिर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज चाहिए होगा, चाहिए होगी, थोड़ा सा आइडिया चाहिए होगा, लेकिन आप बिना नॉलेज के, बिना थोड़े से भी आइडिया के आप 50% पर पहुंच सकते हो। बस ये देखो गैप का मतलब क्या है, वो गैप किस आस्पेक्ट में, किस डायमेंशन में पूछा गया है, तो ये सारी चीजें हैं, ये आप देख सकते हो। फिर उसके बाद बेसिक यहाँ पर जो क्वेश्चन आपका बन रहा है वो सबसे पहला, तो यहाँ पर ये 35 नंबर क्वेश्चन बन रहा है, ये एक्चुअली फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये पता है तो पता है, ये नहीं पता है तो नहीं पता है, तो इसपे बात नहीं करेंगे। फैक्चुअल क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ऑल टुगेदर एक बार क्या करेंगे, जितने फैक्चुअल क्वेश्चन है सबको एक साथ ले लेंगे, क्योंकि अभी बताऊंगा ना 50-50 वाले और फैक्चुअल वाले, तो आप रिलेट नहीं कर पाओगे, आपको लगेगा गलत बता रहा है, वो समझाने के लिए मेरे को सब एक साथ लाना पड़ेगा, तब उस समय उसको बताएंगे। और यहाँ पर सिमिलर डिफ एक्सपो की बात यहाँ पर हो रही है, अब ये भी इसमें भी आप एलिमिनेट कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, भारत एक्सपोर्टर है क्या आर्म्स का? नहीं है। भारत में आर्म्स की मैन्युफैक्चरिंग नेक्स्ट लेवल पर हो रही है क्या? नहीं हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग तो हो ही नहीं रही है यहाँ पर इंडिया में, बहुत कम हो रही है, बहुत कम हो रही है, बहुत ही कम हो रही है, और ये पता होना चाहिए कि भारत एक्सपोर्टर नहीं है, इम्पोर्ट करता है आर्म्स, भारत में मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है आर्म की। तो आप देखोगे आत्मनिर्भरता, मैन्युफैक्चरिंग, आत्मनिर्भरता का क्या मतलब है, अपने ऊपर डिपेंड होना, आत्मनिर्भर, अपने ऊपर डिपेंड होना, निर्भर होना, तो आत्मनिर्भरता नहीं होगी क्योंकि इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं है, तो यहाँ इसका ये हो नहीं सकता। सिमिलरली ये भी नहीं होगा, ये भी मैन्युफैक्चरिंग हब की बात करता है। सिनर्जी फॉर डिफेंस और पाथ टू प्राइड, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। अब सिनर्जी फॉर डिफेंस नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर जो डिफेंस एक्सपो 2022 में क्या होता है कि बेसिकली यहाँ पर डिफेंस का जो उनका जो, देखो छोड़ो नॉलेज की बात, फिर से छोड़ो, यहाँ पर एक्सपोजिशन की बात होती है, तो एक्सपोजिशन का क्या मतलब है ना, अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पर डिफेंस एक्सपो की बात हो रही है, एक्सपोजिशन की बात हो रही है, तो यहाँ पर एक्सपोजिशन का क्या मतलब है, तो चीजों को दिखाना है ना, चीजों को दिखाना, चीजों को समझाना, चीजों को समझना। अब ये जो बेसिक जो चीजें आपको यहाँ देखने को मिलेगी वो ये मिलेगा कि वो कौन सी चीजों को यहाँ पर वो दिखाएंगे, तो वो डिफेंस की चीजों को दिखाएंगे है ना। अब डिफेंस की चीजों को दिखाने का क्या मतलब है कि सिनर्जी फॉर डिफेंस का क्या मतलब, सिनर्जी का क्या मतलब होता है, एक तरीके से कंबाइन होना, सिनर्जी जो इंग्लिश वर्ड है उसका क्या मतलब होता है, एक तरीके से जक्स्टापोज करना, ठीक है। तो अब यहां पर बात यह आ जाती है आपकी कि आप किस चीज को जक्स्टापोज करोगे, कुछ है ही नहीं करने के लिए है ना। अगर मान लो आप एक काउंटर है, वहां पर आप एयरफोर्स के कुछ दिखा रहे हो, आप नेवी के कुछ दिखा रहे हो, आप आर्मी का कुछ दिखा रहे हो, तो वो आप सेग्रीगेटेड वे में कर रहे हो, यू आर डूइंग इट इन सेग्रीगेटेड मैनर, ठीक है। तो उस केस में यहां पर क्या होगा कि यहां पर जो आंसर आपका पाथ टू प्राइड पर आप आ सकते हो, अगर आपको ये पता चल जाए कि सिनर्जी का मतलब क्या होता है, और सिनर्जी जो है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में बिल्कुल होती है, सीडीएस के आने के बाद तो बिल्कुल हो रही है, लेकिन इन केस अगर आपको वो चीज नहीं पता है तो भी आप 50-50 पर आ जाओगे। तो आशा करता हूं आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हमारे साथ कम्युनिकेट कीजिए, पढ़ते रहिए, एंड क्लियर दिस यूपीएससी एग्जाम। थैंक यू वेरी मच।